नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पीएससी डेली वेजर्स लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी पुल को इन्होंने ब्लॉक किया था, 3-4 घंटे तभी पुल ब्लॉक रखा था। उसके बाद इनकी बातचीत जो थी वो डिपकॉन साहब से हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। कल की इन्होंने 48 घंटे और हड़ताल बढ़ाई है, और इनसे बात करेंगे। रवि जी हैं। अच्छा रवि जी, हड़ताल और बढ़ा ली है? जी बिल्कुल, कल शाम 8 बजे तक तो बढ़ी हुई है, जो हमने कल शाम को ही 48 घंटे बढ़ाई थी, क्योंकि आईजी प्रशासन जो है वो अभी तक हमारी मांगों के ऊपर सीरियस नहीं है। उन अधिकारियों को डिप्यूट किया जाता है हमसे बात करने के लिए, जिनको जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। देने वाली दो चेयर हैं, एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बात करना नहीं चाहते। तो इससे लगता है कि प्रशासन अभी भी अनसीरियस है हमारे मसलों को लेकर, और जब तक प्रशासन हमारे मसलों के ऊपर कोई क्लियर पॉलिसी सामने नहीं लाता, ये हड़ताल बढ़ती रहेगी और दिन ब दिन तेज होती रहेगी। हमारा स्पष्ट संदेश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हमें मजबूर ना करें, वही तमाशा करना पड़े जो 2 दिन पहले पुल पे हुआ, वो दूसरी बार कहीं और हो सकता है। नहीं तो उस दिन आपको मूर्ख बनाएगा फिर? देखिए उस वक्त ना तो हम मूर्ख बने, ना ही मूर्ख बनने वाले हैं, लेकिन जनता का जब हमने हालत देखी कि 4-4 घंटे जो लोग जाम में फंसे रहे, उस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हमें जनता के हित में फैसला लेना पड़ा, हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जनता के साथ कोई टकराव हो, क्योंकि कोई बीमार हो सकता है। उस गर्मी के अंदर बहुत बुरा हाल था, उस दिन टेम्परेचर भी मेरे ख्याल में 40 प्लस था, तो हमने जनता के हित में फैसला लेते हुए हम लोग वापस आए थे। अदरवाइज सरकार से गुमराह होने वाले अब नहीं है, जब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं होगी तब तक हम किसी की बात मानने वाले नहीं है। तो बात क्या हुई वहां पर? वहां पर हमें कल डीसी मैम ने भी बुलाया था, और आपकी डिमांडे क्या है और आप किस चेयर से बात करना चाहते हैं, तो हमने स्पष्ट उनको बता दिया, जो एलजी साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब वो बात करें, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे लिए रोड मैप क्या है, कैसे हमारी रेगुलराइजेशन होगी, कितने लोगों की होगी, ये सारी चीजें हमने उनको बता दी हैं। ये आप हमारे साथ जब भी बात करनी है ये दो चेयर बात करें और अनाउंस करें कि हमारी ये पॉलिसी है डेली वेजर के लिए, तब उसके बाद विचार किया जाएगा कि स्ट्राइक का क्या करना है। अब ये 48 घंटे मतलब आज ये शाम को 7 बजे तक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नहीं, ये कल शाम को 8 बजे समाप्त होगी। कल 8 बजे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि स्ट्राइक आगे बढ़ेगी जब तक प्रशासन इसके ऊपर क्लियर स्टैंड नहीं करता, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर क्लियर अपना स्टेटस नहीं दिखाता कि सरकार के पास पॉलिसी क्या है डेली वेजर के लिए, तब तक ये स्ट्राइक बढ़ती रहेगी। इसकी आपकी स्ट्राइक की वजह से जगह जगह पर पानी की भी काफी किल्लत लोगों को आ रही है, तो इस पर भी कोई आपको है जानकारियां कि क्या क्या परेशानियां हो रही है? देखिए हमें मालूम है कि जहां जहां परेशानी हो रही है, लेकिन ये सरकार का फर्ज बनता था, हमने कोई ऑन स्पॉट तो स्ट्राइक की कॉल दी नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप फरवरी से शुरू किया था, 1 फरवरी से, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 22 दिन टाइम दे के, और जब हमने स्ट्राइक शुरू की थी टोटल 48 घंटे की दी थी, तो प्रशासन को चाहिए था कि प्रशासन को 24 घंटे में हमने बता दिया था कि ये हालात बनेंगे जम्मू में पानी के लिए जब हम स्ट्राइक पे जाएंगे, वो 24 घंटे की जो 28 मई को दी थी वो उसका कारण यही था, तो प्रशासन ने नहीं सीरियसली लिया, तो इससे ये साबित होता है कि प्रशासन को जम्मू की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। और हो भी क्यों, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं ज्यादातर बाहर से आए, कोई यूपी से कोई बिहार से, तो वो जम्मू वालों को तो समझते कुछ नहीं, वो एसी कोठियों से निकलते हैं, अपने एसी दफ्तर में चले जाते हैं, एसी दफ्तर से निकलते हैं कोठी में चले जाते हैं, जम्मू वालों से तो उनको कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब उस दिन की तरह महारैली फिर निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, और उससे बड़ी निकलेगी। कब निकलेगी ये अभी टाइम डेट और टाइम तय कर लेंगे मंडे को, उसके बाद देखते हैं, और इस बार का टारगेट 3 दिन का होगा, जहां भी रैली जाएगी वो 3 दिन के लिए ब्लॉकेज होगा, चाहे वो कोई पुल हुआ, कोई रोड हुआ, कोई रेलवे स्टेशन हुआ, जहां भी बंद होगा 3 दिन के लिए होगा। 3 दिन वहीं खाना पीना? बिल्कुल, वो किसान आंदोलन का पैटर्न अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं सरकार कितनी देर तक हमारे मसलों को नजरअंदाज करती है। सुन ले आप, किसान आंदोलन की तरह अब ये लोग भी आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं अब जब रैली निकलेगी पहले से ज्यादा बड़ी रैली होगी, और 3 दिन जहां भी ब्लॉक हुआ, पुल हुआ या रोड हुआ, जो भी ब्लॉक हुआ वो 3 दिन के लिए ब्लॉक हुआ, वहीं खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे, वहीं रहेंगे, और ये काफी ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान हो गए, अब इनको विश्वास नहीं रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बाकी आप भी अपनी राय रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।